वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ऐसे है कि आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स ने जो है ना वो मुझे लाइक स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, ठीक है, गिग की परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो मैं उस पर थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ चीज़ें। ओके, आप लोगों को जो है ना गिग्स के ऊपर क्लिक्स बहुत कम रिसीव हो रहे हैं। जितने स्क्रीनशॉट्स मुझे आए हैं ना उन पर क्लिक्स की रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। कुछ गिग्स रहती थी वो हम विजिट कर लेते हैं। सदाम हुसैन, ब्लॉग्स, कंटेंट एंड रिसर्च, एसईओ आर्टिकल। अच्छा, ऐसे है कि मुझे ना लाइक स्टूडेंट्स में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने में नज़र आया है कि आप लोगों की जो रिसर्च है ना, लाइक कीवर्ड रिसर्च, वो अच्छी नहीं है, ठीक है। मतलब आई डोंट नो वाई, बट मुझे नहीं लगता कि लाइक मैंने 2 से 3 गिग्स देखी उनमें किसी कीवर्ड पे पोटेंशियल हो। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आप लोग कीवर्ड्स पे पोटेंशियल किस तरह से देख सकते हैं। तो आई थिंक सो यू पीपल शुड नीड टू फोकस ऑन दैट थिंग, राइट? नाउ फॉर एग्जांपल, देयर इज कीवर्ड ब्लॉग्स कंटेंट ऑफ स्नैन। जस्ट चेक आउट दिस कीवर्ड, वी सी एनी पोटेंशियल और नॉट? सी, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। नाउ चेक इट आउट, यहाँ पर आपके पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि विदाउट लेवल, लाइक सॉरी, विद 1, 2, 3 फीडबैक्स के साथ यहाँ पर बैठा हो, ठीक है। सो एवरी वन इज हैविंग गुड नंबर्स ऑफ फीडबैक्स, दैट मीन्स देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। तो मसला सिर्फ ये है कि जब आप लोग कॉम्पिटिशन को टैकल नहीं कर पाते ना, मतलब आपने ये फर्ज करें, मोबाइल से ले ले, मोबाइल से स्क्रीन कैप्चर करके मुझे मैसेज कर ले, बेशक मुझे अभी मैसेंजर कर ले, मैं आपकी गिग को अभी आप रिव्यू कर देता हूँ और अभी आप लोगों को फीडबैक भी दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अब हसनैन ने जो है ना कीवर्ड टारगेट किया है ब्लॉग्स कंटेंट। अब ये कीवर्ड नो डाउट आप कह लें कि इसके ऊपर शायद ऑर्डर हमारे पास हो, चेक कर लेते हैं। इसके
के ऊपर पोटेंशियल तो होगा, लेकिन अगर हम इसे कम्पीट ही नहीं कर सकते स्टार्ट में, देन हाउ वी कैन परफॉर्म? वन ऑर्डर क्यू, नो ऑर्डर, फोर ऑर्डर इन क्यू, फाइव ऑर्डर इन क्यू, टू ऑर्डर इन क्यू, 13, टू, फाइव, थ्री, 14, नो नो, 11, सेवन. सो दिस कीवर्ड इज हैविंग अ गुड पोटेंशियल, लाइक ब्लॉग्स कॉन्टेंट इज हैविंग अ गुड पोटेंशियल. इन सेंस ऑफ पोटेंशियल इट इज अ गुड कीवर्ड जो कि हमारे पास किस स्टूडेंट ने सर्च आउट किया है? सदाम हुसैन ने. बट द क्वेश्चन इज, व्हाई यू टारगेटेड दिस कीवर्ड इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट कम्पीट इट? मैं पर्सनली अगर गूगल पे कोई चीज सर्च करता हूँ तो आउट ऑफ 100 सर्चेस आई प्रेफर टू विजिट द सेकेंड पेज 2 times, 3 times और 4 times मैक्सिमम. राइट, सो इट मीन्स द अल्टीमेट थिंग इज कि जो चीज आप लोगों के वहां पर फर्स्ट पेज के ऊपर नजर आ रही है वही बिकती है. ठीक है, सो हमारे पास, हमारी कोशिश तो स्टार्ट के अंदर यही होती है ना कि हम लोग अच्छे से अच्छा लाइक SEO ऑप्टिमाइज्ड गिग बनाएं, और उस गिग को बनाने के बाद हम लोग उसको जो है वो पहले पेज पर रैंक करवाना शुरू करें. और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग एफर्ट करते रहेंगे. अब मुझे जिनके स्क्रीनशॉट्स आए हैं मैं उनकी भी गिग्स विजिट करता हूँ. यहाँ पर शायद हिना इद्रीस का स्क्रीनशॉट आया. ठीक है, अच्छा, अब हिना इद्रीस का जो स्क्रीनशॉट आया ना वो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, और आपको मैं उस गिग में जो है वो मिस्टेक्स भी बता देता हूँ. जब तक आप लोग अपनी गिग को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे उसको इम्प्रूव करने के लिए, आप लोगों को ऑर्डर कैसे आएगा? और आप में से बहुत कम लोग हैं जो बाय रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं, बहुत बहुत कम लोग हैं. ओके, तो ये मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गया. यहाँ पर हमारे पास 28 इम्प्रेशन है. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इम्प्रेशन जो है वो क्या होता है, लाइक जितने लोग आपकी उस गिग को व्यू करते हैं. ट्वेंटी एट पीपल्स ने व्यू किया और हमारे पास इंप्रेशन 28 आ रहा है, लेकिन क्लिक हमारे पास 1 है. देखिए, इंप्रेशन ना आने की एक और वजह भी हो सकती है. अगर तो आप लोगों को इंप्रेशन ही नहीं आ रहा तो समझे कि आपकी गिग शुरू से ही वीक है. अगर आप लोगों को इंप्रेशन नहीं आ रहा सो आप लोग इस चीज को समझे कि आपकी गिग तो स्टार्ट से ही वीक है. ऑल्दो लाइक 100 इंप्रेशन तो हो ना, हमारे पास लाइक 1 week से ज्यादा गुजर गया. क्लिक्स की रेशो तो हम बाद में निकालें, पहले हमें कुछ ना कुछ इंप्रेशन आए. अब ये देखें, हिना की एक गिग है जिस पर 28 इंप्रेशन है. प्रोफाइल का लिंक मेरे पास था, 1 second. ओके, तो ये हमारे पास गिग है. अब हिना ने क्या किया है कि इस पे एक कीवर्ड टारगेट किया, बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन. इसको जरा ओपन करते हैं. यहाँ पर हम इसे सर्च करते हैं फाइवर पर. बिजनेस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन.
अब यहाँ पर हमारे पास लाइक एक गिग ऐसी है जो कि विदाउट फीडबैक बैठी हुई है, लेकिन एक चीज़ नोट किया आपने कि अगर वो विदाउट फीडबैक यहाँ पर बैठा हुआ है लेकिन उसका उसकी रेटिंग क्या है, आप इस चीज़ को देखें जरा। उसका जो अकाउंट है वो लेवल 2 का है, ठीक है, और अगर उसका अकाउंट लेवल 2 का है, ठीक है, तो उसको इस चीज का ये एज मिला है कि वो इस पावरफुल कीवर्ड के ऊपर अपनी पोजीशन सिक्योर किए बैठा है, राइट। तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप लोग देखें कि अगर तो वो यहाँ पर अपनी पोजीशन सिक्योर किए हुए है तो वो विदाउट लेवल विदाउट फीडबैक हो। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने तो ये चलो कीवर्ड सर्च किया, ठीक है, और मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है, क्यों इसको मैं अच्छा क्यों कहा, इसके ऊपर पोटेंशियल था, इस कीवर्ड के ऊपर पोटेंशियल था, लेकिन स्टिल देयर इज अ कॉम्पिटिशन। अब इंप्रेशन कैसे ज्यादा हो सकता है? इंप्रेशन ज्यादा करने के लिए आप लोगों को मल्टीपल कीवर्ड्स टारगेट करने पड़ेंगे, और देखें कि आपने सिर्फ एक कीवर्ड टारगेट किया हुआ है, इसके अलावा कुछ और कीवर्ड्स भी तो देखने चाहिए थे आपको। जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है? आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, तो इस फीडबैक को थोड़ा समझें आप लोग। अगर आपने बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन टारगेट किया है कीवर्ड, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको इसके साथ कोई एक और कीवर्ड टारगेट करना चाहिए था जिसके ऊपर आपके पास एटलीस्ट कंपटीशन तो लो होता। अगर उस पर कॉम्पिटिशन लो होता, आपकी जो गिग है पहले पेज पे आ जाती, ठीक है, और वहां पर आप लोगों को अच्छा खासा जो है वो इंप्रेशन मिलना था, और इंप्रेशन के बाद आपको अच्छे खासे क्लिक्स भी मिलने थे। जाहरी बात है जब आपकी गिग के ऊपर क्लिक्स आएंगे तभी तो आपको बिजनेस मिलेगा, ऐसे कैसे आपको बिजनेस मिलेगा? तो कोशिश करें कि आप जो है वो लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे थोड़ा सा इनको एक्सप्लोर करें। आप लोग कोशिश करें, आप लोगों को मिल जाइए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं एक और चीज आप लोगों को नोट करवा दूं, ठीक है। प्रिपेयर, अब हिना की जो गिग है, ठीक है, उसका टाइटल है आई विल प्रिपेयर बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन्स। तो मैंने जब इस पूरे प्रिपेयर के साथ इस कीवर्ड को कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, प्रिपेयर बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन, अब हमें एसईओ का बेनिफिट क्या हुआ, हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने का बेनिफिट क्या हुआ, हमें गिग पे रिसर्च करने का फायदा क्या हुआ, हमें गिग के ऊपर जो है वो आप कह लें कि कीवर्ड्स को टारगेट करने का बेनिफिट क्या हुआ। तो हमें बेनिफिट स्टूडेंट्स ये हुआ कि जो इनकी गिग है वो पहली लाइन के पहले नंबर पे है। ये देखें, मॉडर्न पावर पॉइंट स्लाइड्स ऑर्डर नाउ एक्सप्रेस ग्लिड इन 24 आवर, लेकिन प्रिपेयर बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन इज हैविंग नो पोटेंशियल। लाइक यू कैन सी द लास्ट 8 गिग्स
इनके पास ऑर्डर ही नहीं है। तो हमारे लिए जब एक जगह पर कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, लाइक आपकी गिग पहले पेज की पहले लाइन के पहले नंबर पर भी है, लेकिन उस कीवर्ड के ऊपर ऑर्डर ही नहीं पड़ा हुआ आपके सामने है, किसी भी गिग के ऊपर ऑर्डर नहीं पड़ा हुआ, तो हमारे लिए वो कीवर्ड जो है वो यूजलेस है। ठीक है, ओनली वन गिग है वन ऑर्डर इनके। तो सी दिस इज लाइक वेरी लो पोटेंशियल। तो आप लोगों ने ये टारगेट किए हैं, जिन जिन स्टूडेंट्स ने कीवर्ड्स टारगेट किए हैं उनकी गिग्स बिल्कुल ठीक टारगेट हुई हैं, और टारगेट होने को चेक करने के लिए आप लोग उसको सर्च करें तो आप लोग को पहली लाइन में या पहले पेज की किसी भी लाइन में आपको अपनी गिग नजर आ जाती है। सो दैट्स द साइन ऑफ लाइक द राइट टारगेटिंग ऑफ कीवर्ड्स, बट योर कीवर्ड सिलेक्शन इज द पावर। इफ यू कैन नॉट सिलेक्ट द गुड कीवर्ड्स, यू कैन नॉट गेन पोटेंशियल इन योर गिग। सो प्लीज रिवाइज करें अपनी गिग्स को, नंबर वन। नंबर टू, आप लोग अपने जो है वो थंबनेल को मजीद जो है वो मॉडर्नाइज करें, आप इसको कह लें कि थोड़ा सा और इसको जो है वो प्रोफेशनल बनाएं। ठीक है, कोशिश करें कि आप लोग ना पिंटरेस्ट पे आइडियाज एक्सप्लोर किया करें, पिंटरेस्ट को जरूर यूज किया करें, वहां से आप लोगों की कलर सेंस और टाइपोग्राफी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर गिग। स्टूडेंट्स, इस गिग के ऊपर फीडबैक आप लोगों को समझ में आया कुछ, कि किस तरह से बाकी सबकी भी अगर कोई गलती है या चेक कैसे करना है आप लोगों ने कि आपकी गिग सही परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, कुछ चीजें क्लियर हुई है आप लोगों को यहाँ पर? देखिए, कोशिश करें कि एक न्यू गिग बना लें इकरा जफर, मेरी ये रिकमेंडेशन है। ठीक है, सारी चीजें सेम रख लें, ठीक है, कीवर्ड्स बस डिफरेंट टारगेट कर लें टाइटल के अंदर। पता क्या होगा, आप लोग तीन चार गिग्स बनाएंगे ना सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन के ऊपर, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी गिग ज्यादा इंप्रेशन ले रही है, आपको पता चल जाएगा कौन सा कीवर्ड कौन सी स्ट्रेटेजी आप लोग के लिए काम कर रही है। देखिए, आप लोग कौन सा पे कर रहे हैं गिग बनाने के लिए? ओके, तो अभी हम कोई और की देखते हैं, मुझे और किसके स्टेट्स आए हैं, शायद तनवीर अहमद ने स्टेट्स भेजे हैं। नहीं, और मेरे पास स्टेट्स आए हैं, एक स्टूडेंट है इकरा जफर के स्टेट्स हैं शायद, यस इकरा जफर के स्टेट्स हैं। अब इनके भी जो कीवर्ड्स हैं ना, वो अगर आप लोगों के लिए वो वर्क नहीं किए तो आपको भी सेम फीडबैक है। इकरा जफर, आपकी भी गिग के ऊपर आपको सेम फीडबैक है। ठीक है, तो कोशिश करें अपने कीवर्ड्स जो हैं वो अच्छे आप लोग ढूंढें, अच्छे कीवर्ड्स ढूंढें। ठीक है, और मल्टीपल गिग्स बनाएं और उस पर देखें कि जो गिग पहले इंप्रेशन पकड़ रही है। देखें, हमारा पहला टारगेट इंप्रेशन है, अगर तो आपकी गिग इंप्रेशन ले ही नहीं रही, सो दैट मीन्स तो टोटली नील है। हमें तो सबसे पहले क्या चीज़ की, किस चीज़ की डिमांड है कि कम से कम लोग देखें तो सही, अगर लोग ही नहीं देख रहे तो क्लिक्स कहाँ से आएंगे? क्लिक तो बाद की बात है,
सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एक अच्छा इम्प्रेशन चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस चीज़ के ऊपर आप लोगों को काम करवाया आप लोगों ने सिर्फ वही करना है। मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूवल का टूल दिया, आप लोग बैकग्राउंड रिमूवल पे गिग बना लें। आप लोग आई डोंट नो क्यों वर्किंग नहीं कर रहे, मतलब थोड़ी सी क्लिक 3-4 गिग्स बनाएं, मुझे पता चले कि आप लोगों ने कोई एफर्ट की है। इसे सिर्फ यूनिवर्सिटी की तरह असाइनमेंट तक ना रखें। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर पोटेंशियल गेन करना है ऑनलाइन अर्निंग में, तो आप लोगों को स्टार्ट में एफर्ट करनी पड़ेगी। जब तक कि आपका ये जो पोटेंशियल अर्निंग जो है वो स्टार्ट नहीं हो जाती, या कोई एक दो या चार ऑर्डर्स आप लोगों को रिसीव नहीं हो जाते, तब तक आप लोगों को एफर्ट करना पड़ेगी। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप लोग ना टेस्टिंग करें इन चीज़ों के ऊपर, टेस्टिंग करें इस चीज़ की कि किस तरह से आप लोगों को जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन मिल सकता है, किस तरह से आप लोगों को एक अच्छी जो है वो क्लिक्स मिल सकते हैं। मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी सिखा दी कि आप लोग खुद अपनी गिग को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों ने अब अपनी गिग्स को चेंज करना है। मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि गिग्स लॉन्च करें। उसके बाद हमारे पास एक और गिग का स्क्रीनशॉट आया था, ठीक है, लेकिन वो उस पर भी मेरा सेम फीडबैक है एक तरह से फर्क है, और मेरे ख्याल से मेरे पास कोई और स्क्रीनशॉट नहीं आया। तो आप लोग अपने कीवर्ड को चेक करने के लिए उस कीवर्ड को लिखें, ठीक है, वहाँ पर फाइवर के ऊपर, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। खैर शुरू करते हैं जी आज का सेशन, हम कंटिन्यू करते हैं। मुझे अब आप लोगों ने गिग्स अपडेट करके बतानी है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कल कितने स्टूडेंट्स ने निशेस को एक्सप्लोर किया है, हाउ मच ऑफ यू पीपल वर्कड ऑन निशेस, और कितनी कितनी निशेस आप लोगों ने फाइंड की है फ्लिपा से। यहाँ पर वो निशेस जो है वो कमेंट्स के अंदर बताएं तो कौन सी निशेस है। ओके, फ्लोर मैट्स, सोफा, रनिंग शूज, किचन मैट्स, रिव्यूज, रडार, क्लीन वाटर हाउस मशीनरी, ओके, एनीवन एल्स, किसी और स्टूडेंट ने रिसर्च की हो। किसी और स्टूडेंट ने फ्लिपा पे निशेस को रिसर्च किया हो, और अगर किया है तो कमेंट्स में थ्रो करें।
वाटर बॉयलर, राइट। रिसर्च ओके। खैर हम लोग ना एक काम करते हैं, अब हम लोग इनकी ना लाइक सिलेक्शन पे आएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसे है कि अब हम लोग रिसर्च के लिए ना थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। फर्स्ट करें आप लोगों ने ना लाइक 7 से 8 निशेज एक्सप्लोर कर ली, आपको पता चल गया जी ये मतलब 7 से 8 ऑप्शंस आपके पास हैं जो आप कैटेगरीज या ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए? नेक्स्ट अब ये है कि हम लोगों ने ना इसकी सिलेक्शन करनी है कि अब हम इसमें से कौन सी निश को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब वो जो सिलेक्शन है ना वो डिपेंड करती है कि आप लोग किस तरह से लाइक कितना स्कोर आप लोगों को मिलता है। ये शीट जो है वो एक इस तरह से प्रोग्राम की गई है कि हम लोग इसमें से मोस्ट लाइक मोस्ट सक्सेसफुल निश को पिक कर सकते हैं। सक्सेसफुल इन सेंस ऑफ लाइक जो हमें ज़्यादा एविडेंसेस दे के हम इसमें जो है वो पोटेंशियल गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडफोन, स्टाइलिश हैंडबैग एंड ड्रोन, वेरी गुड नाजिया, वेरी गुड। बेस्ट विश, थैंक्स ब्यूटी, प्रोडक्ट्स बेस्ट, फिश फूड, किचन मैट्स, बॉक्सिंग ग्लव्स, बॉक्सिंग ग्लव्स, यस इट इज़ गुड थिंग, बेस्ट फिश टैंक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेस्ट फिश फूड, किचन मैट्स एंड बॉक्सिंग ग्लव। आई थिंक सो बॉक्सिंग ग्लव इज़ अ गुड चॉइस, बॉक्सिंग ग्लव्स। तो ये हम एक निश काउंट कर सकते हैं, मुझे अब इसका सोर्स नहीं पता लेकिन खैर रिसर्च अच्छी है, ठीक है, सभी ने की है, तनवीर अहमद ने भी अच्छी लाइक बनाई है, लेकिन मुझे इसमें कोई ना कोई खैर क्लीन वाटर हाउस मशीनरी इसमें से थोड़ी सी यूनिक लगी है। हाउस मशीनरी होगा या आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट नेम, वाटर हाउस मशीनरी, क्लीन वाटर ओनली या हाउस मशीनरी ओनली, आई एम नॉट श्योर। चले ठीक है, अब हम लोगों ने ना क्या करना है कि ये हमारे पास ना कुछ निश सिलेक्शन के फेजेस हैं। हमने बताना होता है कि क्या ये एक बिग निश वेबसाइट है, येस नो। क्या ये एक स्मॉल निश वेबसाइट है, येस और नो। क्या ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है, येस और नो। क्या यहाँ से एड्स रेवेन्यू आ रहा है, येस और नो। क्या यहाँ पर कीवर्ड्स फाइंड करना आसान है, येस और नो। क्या इसकी सीजनैलिटी हाई है या लो है, येस और नो। क्या इसमें लिंक बिल्डिंग आसान है, येस और नो। क्या आप इसमें इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, लाइक वेरी इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, न्यूट्रल, नॉट इंटरेस्टेड और यू हेट इट। You have to answer them correctly, like these questions correctly. If you answer all of these questions, you will receive an overall rating, right? When you receive an overall rating, you will see which rating is the best. For example, you have like 7 niches jotted down here. And out of 7 niches, you got a 7 score in one niche. So it means you're going to select that niche which is having a lot of potential, like the higher overall rating, right? Just एक स्पेसिफिक निश के हायर रेटिंग होगी, आप लोग उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को देखना कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि सोफ़ा काउच लाइक सोफ़ा काउचेस, रनिंग शूज़, इस पे हमारे पास बिग निश वेबसाइट है या ये स्मॉल निशेज वेबसाइट्स इस पे अवेलेबल हैं या ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है। तो ये तकरीबन 5 से 7 चीज़ें हैं जो हम वन बाई वन एक्सप्लोर करेंगे, जो वन बाई वन हम लोग वेरीफाई करेंगे, क्लियर, जो कि हम वन बाई वन वेरीफाई करेंगे। अब इनको वेरीफाई करने के लिए ना हमें चाहिए होती है रिसर्च, ठीक है, और रिसर्च के लिए हमें चाहिए होते हैं टूल्स। तो एक मतलब ग्रुप बाय एसईओ टूल्स होते हैं, तो इसके लिए ना मतलब जो सबसे ज़्यादा जो टूल यूज़ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट्स, एसईओ एक्सपर्ट्स जो यूज़ करते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा हाउस मशीनरी अलग है, ओके तनवीर। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास टूल यूज़ होता है ना वो होता है एएचरेफ्स, और मैं स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग एएचरेफ्स यूज़ किया करें, ठीक है। एएचरेफ्स एक ऐसा टूल है जो आप लोगों को एनालिसिस बताता है, लाइक कंप्लीट एसईओ का सॉल्यूशन अगर आप लोग कहीं पे सर्च आउट कर रहे हैं तो वो आपके लिए एएचरेफ्स है। मतलब कह लें कि बहुत से फ्री टूल भी इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर आप लोग एएचरेफ्स परचेज करते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज जो है वो एक ही प्लेस पे ऑफर कर देता है, ठीक है।
तो हम लोग इसको यूज़ करते हुए अपनी निश रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन निश को लाइक इस निश को लाइक रिसर्च करने के लिए हमें जो चीज़ें हम लोग वेरीफाई करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें ना इसका अकाउंट चाहिए होता है, ठीक है, AHREFs का। अब AHREFs का अकाउंट लेने के लिए हम इसकी प्राइसिंग में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी जो मंथली प्राइस है ना इस टूल की, बेशक ये टूल एक अच्छा टूल है, लेकिन इस टूल की जो मंथली प्राइस है ना वो $99 है, जो कि आप कह लें कि बहुत ज़्यादा एक स्टार्ट में हमारे लिए इतना मैनेज करना, या किसी भी स्टूडेंट के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है कि वो $99 पर मंथ लाइक 16,000 रुपीज़ वो जो है वो मंथली पे करें, ठीक है। ये बहुत मुश्किल है स्टार्ट में कुछ स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका फिर हल क्या निकाला जाए? अब हम लोग इस टूल के बगैर नेक्स्ट मूव भी नहीं कर सकते, ठीक है, और अब ये ज़रूरी भी है, तो इसका क्या हल है? तो स्टूडेंट्स, इसका ना हल मार्केट में ये निकला कि कुछ ऐसे लोग आए, कुछ ऐसी ना सर्विसेज आई जिन्होंने ना ये परचेज़ किया $99 का, ठीक है, और उसके बाद ना इसको ना डिफरेंट लोगों के अंदर ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब सेम टूल को डिफरेंट लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब कि अगर ये एक टूल एक बंदा लेता है तो उसे $99 अ मंथ पड़ेगा, लेकिन अगर इसे 10 लोग मिलके लेते हैं तो कितने का पड़ेगा? $10 अ मंथ, ठीक है। सर्विसेज जो हैं वो बेशक लिमिटेड हैं, लेकिन $99 अ मंथ में, मतलब अगर 10 लोग इसको परचेज करते हैं तो इसका कितना एक्सपेंस आता है? $10 अ मंथ पर पर्सन। तो मेरा यहाँ पर कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी ग्रुप बाय SEO सर्विस, डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है, मेरा यहाँ पर कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं किसी ग्रुप बाय SEO टूल को प्रमोट करूँ, लेकिन मैं पर्सनली ग्रुप बाय टूल्स को ही प्रेफर करता हूँ और मैं वो परचेज करता हूँ और मैं वही यूज़ करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सस्ते आप लोगों को पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप बाय SEO टूल्स में देखिए, SEO एक बहुत वर्स्ट बिजनेस मॉडल है, और अगर आप लोग इस पर कोई 1,000-1,500-2,000 खर्च कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, लाइक इतना तो आप लोग वैसे ही डेली आप लोगों के एक्सपेंसेस हो जाते होंगे, ठीक है। सो मैं आप लोगों को एक चीप सॉल्यूशन बता देता हूँ जिससे आप लोग ये टूल और इसके अलावा और SEO के टूल्स जो हैं वो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं यूज़ करता हूँ टूल्स, उनमें से एक टूल है, ये आप लोगों ने ना कल तक परचेज कर लेने हैं, ठीक है, और प्राइसिंग भी बता देता हूँ। अच्छा, जो मैं यूज करता हूँ बेसिकली वो है टूल्स ऐप, ठीक है, toolszap.com। अच्छा, ये जो है ना ऑफर करता है हमें टूल्स, आप साइनअप पे क्लिक करेंगे आप लोग, ठीक है, तो ये हमें जो है वो आई थिंक सो इनके प्राइसिंग्स में देख लेता हूँ। ओके, तो इनका ना एक प्लान है लाइट प्लान के अंदर ना आप लोगों को 6 टूल्स मिलते हैं, AHREFs, Grammarly, Spyfu, कीवर्ड रिवीलर, Moz, Skillshare. AHREFs is really important for us, but if we are getting some other supporting tools, that is okay, that is perfect. Grammarly के टूल को यूज करके आप लोग जब भी लिखेंगे ना, लाइक कोई कुछ भी अपने लैपटॉप पे लिखते हैं तो उसकी ग्रामर परफेक्ट होगी, और कीवर्ड रिवीलर पे आपको अच्छे कीवर्ड्स मिल सकते हैं, और Moz भी जो है वो रिसर्च के लिए एक अच्छा टूल है, ठीक है, ये आपको रियल टाइम स्टैट्स भी देता है, इसकी गूगल क्रोम की एक्सटेंशन भी है जो रियल टाइम आपको
किसी भी वेबसाइट का जो डेटा है वो प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद इसके जो चार्जेस हैं वो है 499 इंडियन रुपीज अ मंथ। सो लेट अस चेक कि हमारे पास इंडियन रुपीज से पीकेआर कितने बनते हैं। INR टू पीकेआर इट इज 499, सो इट विल बी लाइक 1057 रुपीज। तो 1057 रुपए में आप लोग जो है वो इस टूल को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको बाय नाउ पे आप लोग क्लिक करेंगे साइन अप होने के बाद, और यहां पर आप पे क्लिक करेंगे, और यहां पर आप क्रेडिट डेबिट कार्ड पे। तो यहां पर आप लोगों का अगर कोई डेबिट कार्ड मिजान बैंक का हो, HPL का हो, बैंक ऑफ पंजाब का हो, जो कि जिसकी जिसकी लाइक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स एनेबल हो, ठीक है, उस कार्ड का फ्रंट पे 16 डिजिट्स लिखे होते हैं, वो एक्सपायरी CVV कोड और नेम लिखेंगे तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादा ये वाला टूल्स ऐप, ठीक है, परफॉर्मेंस के हिसाब से। लेकिन अब लास्ट वाले बैच के अंदर प्रॉब्लम क्या आई थी कि स्टूडेंट्स कह रहे थे जी हमारा कार्ड वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, हमारे कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही, इसके ऊपर हमारे कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही। तो फिर मैंने एक और सर्विस ढूंढी जो कि पाकिस्तान का एक बंदा ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहें तो यहाँ से अगर यहाँ से टूल्स ऐप से परचेज करें ना पैकेज, तो दैट्स गुड। और अगर आप से पेमेंट इसके ऊपर नहीं होती तो आप लोग जो है वो आज़ाद एस सी ओ, ठीक है, तो इसके टूल्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। और इसके जो है ना प्राइसिंग भी बहुत लाइक सस्ती है। अगर आप लोग चैट करें ना इसके साथ, मैंने अभी परचेज किया ही है, ठीक है। तो इसकी ना एक ऑटो बोट है, आप लोग azadseo.com को विजिट करें, ठीक है, azadseo.com। तो इनका ना एक स्टूडेंट पैकेज है, मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ वो स्टूडेंट पैकेज कौन सा है। अगर आप लोग इसकी वेबसाइट को विजिट करेंगे ना azadseo.com को, तो यहाँ पर आपको आ रहा होगा कि कंटिन्यू एज जुबैर, जिस तरह मुझे एज जुबैर आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों का अपना नाम आ रहा होगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने अपनी फेसबुक यहाँ पर लॉगिन की हुई है। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ये चैट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे बाय SEO टूल्स, फर्ज करें, ठीक है। उसकी ऑटो बोट ने आप लोगों के सामने एक पैकेज की लिस्ट भेज दी। उसने कहा स्टूडेंट पैकेज में ना 5 टूल्स हैं और उसकी कॉस्ट $7 है और उसके चार्जेस 1000 रुपीज हैं। और यहाँ पर वो टूल्स में जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें Ahref, Moz, SEO Profiler, Grammarly और Skillshare, ये 5 टूल्स उसमें होंगे। लेकिन इसमें Ahref की लिमिट भी है। लिमिट क्या है कि जी 20 डोमेन्स आप एक दिन में सर्च कर सकते हैं और 20 कीवर्ड्स। बिलीव मी, अगर ये ज्यादा होती ना सर्च पर डे, तो मैं आप लोगों के साथ अपना अकाउंट ही शेयर कर देता। लेकिन अभी भी स्टूडेंट पैकेज कोई स्टूडेंट नहीं अगर कर सकता अफोर्ड, तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को अरेंज कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये $7 जस्ट इन 1000 रुपीज यू विल गेट 5 सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स, Ahrefs, Moz, SEO Profiler, Grammarly, Skillshare, and this package is having 20 domains, 20 keywords per day limit. Now, यहाँ पर उसने फौरन पूछा ऑटोबोट ने कि which package you are interested in? तो हमने उसे कहा कि we are interested in a student package. ठीक है? तो फौरन से उसका रिप्लाई आएगा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं? You have multiple options. Like we had Shares Cash, Easy Paisa, Bank Transfer, PayPal, Skrill, Bitcoin, Paytm. ठीक है, तो अब इस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग के पास तो Jazz Cash है,
ठीक है, तो आप लोग जैस कैश पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जब आप लोग जैस कैश पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने ना यहाँ पर आपको एक टिल आईडी दी हुई है, टिल आईडी ऑफ जैस कैश। तो अगर आप लोग अपनी जैस कैश की एप्लीकेशन ओपन करें ना, मोबाइल वैलेट की, सभी के पास होगा ऑलमोस्ट, तो उसके ऊपर ना नीचे एक बटन आ रहा होता है क्यूआर कोड का, उसके ऊपर क्लिक करें, वहां पे आ रहा होता है इंटर टिल आईडी। आप वहां पे टिल आईडी दें और इसको 1,000 रुपीज भेजकर स्क्रीनशॉट भेज दें, पेमेंट डन पे यस करें और यहां पर मैसेज के अंदर स्क्रीनशॉट भेज दें, और वो आपको इंशाल्लाह 5 से 7 घंटे, बल्कि 1 घंटे के अंदर ही आपको वो अकाउंट दे देगा, और आपने वो कैसे यूज करना है ये भी बता देगा, ठीक है। अगेन डिस्क्लेमर, द पर्पज ऑफ रेफरिंग दीज सर्विसेज इज नॉट टू प्रमोट देम बट इज टू रिजोल्व योर नीड, राइट। ठीक है, तो आप लोग इन सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन के टूल्स कैसे परचेज करने और कहाँ से परचेज करने, दिस इज इंपॉर्टेंट, और कल आप लोगों ने इसे रेडी करना है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट इनको यूज करने लगे हैं, और नेक्स्ट अब हमारी हमारा रोज का इन पे काम होगा, और इन टूल्स में मास्टरी जरूरी है, ठीक है। और ये बहुत लाइक आप कह लें कि हेल्पफुल टूल्स हैं। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी स्टूडेंट्स, कौन से असमा कौन से प्रोसेस की बात कर रही हैं, आज़ाद एस सी और टूल वाले प्रोसेस की या टूल्स ऐप? ओके, आज़ाद एस सी ओ प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, जस्ट गो टू आज़ाद एस सी ओ डॉट कॉम। ऑलराइट, आप लोगों को मैसेंजर का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ना ये 3 बटन्स नज़र आ रहे होंगे, लाइक 3 लाइंस बटन, इस पर क्लिक करना है,
और बाय SEO टूल पे क्लिक करना है। या आप लोग इसके इससे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इसको मतलब वहाँ पे कर दें जैस कैश पे, ठीक है, और वहाँ पे भी आपको अकाउंट दे देगा, कोई इशू नहीं है, व्हाट्सएप नंबर इसका आ जाएगा, ये इसका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इसके ऊपर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बाय SEO टूल्स पे क्लिक करें, यहाँ पर स्टूडेंट पैकेज आप लोगों को नजर आ रहा होगा, स्टूडेंट पैकेज पे क्लिक करें, उसके बाद जैस कैश पे क्लिक करें, तो यहां पर आप लोगों को टील आईडी आ जाएगी, तो जैस कैश की एप्लीकेशन में से ये आप इसके ऊपर पैसे भेज दीजिएगा, या अगर आप लोग इसको फैसल बैंक में भेज सकते हैं पैसे, तो फैसल बैंक में ट्रांसफर कर दीजिएगा, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, जैस कैश से भी बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रांसफर करने के बाद आप लोगों ने पेमेंट डन पे यस करना है, और उसके बाद आप लोगों को अकाउंट दे देंगे, ठीक है जी। स्टूडेंट्स मुझे बता दें कि आप लोग अब टूल्स परचेज कर लेंगे, किसी को कोई इशू है तो बताएं मुझे। नहीं नहीं इनमें से एक परचेज करना है हुसैन, और हिना टूल्स ऐप के भी लिमिटेड टूल्स हैं, एग्जैक्टली उनकी भी लिमिटेड सर्चेज हैं, लेकिन स्टार्टर्स के लिए इनफ हैं, 20 सर्चेज आर इनफ फॉर स्टार्टर, ठीक है, 20 सर्चेज आर इनफ फॉर स्टार्टर्स। तो कल आप लोगों ने रेडी रखने हैं अपने टूल्स, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आप लोगों को अकोमोडेट कर दूंगा टूल्स, ठीक है, लेकिन मसला यह है कि कल आप लोगों ने हर हाल में अपने टूल्स रेडी रखने हैं, ठीक है, कल प्रॉपर रिसर्च शुरू होगी। चलिए खैर नेक्स्ट मूव करते हैं, उसके बाद अब हम बात करते हैं टूल्स की, तो हमने बात कर ली टूल्स आपने लेने, कल टूल्स का फिर हम लोग इंट्रोडक्शन भी करेंगे। अब हम लोग ना कुछ टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं, और कल हम जो है ना निश सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स एक और भी सोर्स है निश का, कि आप लोग निश रिसर्च कैसे कर सकते हैं, तो वो है अमेज़न। आप अमेज़न की वेबसाइट ओपन करें, ठीक है, यहाँ पर ना मतलब नेक्स्ट तरीका देख लें आप लोग कि मैं कैसे फॉलो करता हूँ निश रिसर्च करने का, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम लोग ना निश रिसर्च करने के लिए कैटेगरीज में जाते हैं, ठीक है, लाइक ये हमारे पास ट्रेंडिंग आ रहा है, ये हमारे पास शॉप बाय डिपार्टमेंट आ रहा है, ठीक है, सभी डिपार्टमेंट्स ओपन कर लीजिएगा। अब जैसे इसमें आप लोगों को जो इंटरेस्टेड लग रहा है, लाइक आप क्लिक करें फूड एंड ग्रोसरी पे, पेट सप्लाइज पे, फर्स्ट करें मैं पेट सप्लाइज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ जाता है कि डॉग सप्लाइज, राइट, और यू कैन से द कैट सप्लाइज,
I click on CAD supplies. So here you can see the different products like CAD's toys, CAD's collars and leashes, CAD's grooming, flea and tick, doll steps and pens, batteries and furniture, health supplies, litter, treats, food, feeding and water fountain supplies, right? तो आपने क्या करना है कि देखना है कि क्या ये जो प्रोडक्ट्स हैं क्या लोगों ने इसके ऊपर एफिलिएट वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। तो ये चेक करने के लिए ना आप लोग एक ही कीवर्ड गूगल पे सर्च करेंगे, लाइक मैं लिखता हूं बेस्ट कैट स्कॉलर्स, यहां पर मुझे उसने कह दिया द सिक्स बेस्ट कैट स्कॉलर्स। तो इसका मतलब हमारे पास ये एक अफिलिएट वेबसाइट इसके ऊपर नजर आ रही है, ठीक है। बाय ऑन अमेज़न पे क्लिक करते हैं तो क्या हमें कंफर्म हो गया कि हमारे पास ये जो वेबसाइट है ये एक एफिलिएट वेबसाइट है। लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ नोट की है कि जिस वेबसाइट को हम विजिट करके बैठे हुए हैं द सप्रेसिव द आई डोंट नो व्हाट्स द नेम पेट्स, और इसमें कैट्स के अंडर काफ़ी कैटेगरीज हैं, किटन केयर, कार्ड ब्रीड, कैट ब्रीड्स, कैट हेल्थ, बिहेवियर प्रॉब्लम्स, लिटर बॉक्स ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग इन्हें विजिट करें तो 10 कैट ब्रीड्स विद द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन्स, कुछ इंफॉर्मेशनल आर्टिकल भी हैं और प्रोडक्ट आर्टिकल्स भी हैं। ये मिक्स वेबसाइट है, ठीक है। सो इसी तरह व्हाई इज माई कैट ईटिंग लिटर, हाउ टू ट्रेन योर कैट टू स्टॉप यूरिन मेक यूरिन मार्किंग एंड ऑल दैट स्टफ। So this website is mixed website, like having informational article as well, content plus affiliate blog. You can do that sort of stuff as well, but in start I recommend you to please stick on affiliate first. You should need to add some informational article as well, but in start it is better to be limited. So on the same way we're going to consider this website mypetneedsthat.com, the best cat scholar. So here you can see the different categories: cats, cat breeds, cat food, health, training, cat equipment, and kittens. So the best cat collar, check price on Amazon, and we will get redirected to Amazon. So that means this is also an affiliate website. So if you visit cat breeds, ठीक है, तो हम यहाँ पर हमें कुछ informational article भी मिलेंगे और कुछ हमें एफिलिएट आर्टिकल्स भी मिलेंगे। बट अगेन पेट्स के ऊपर ज्यादा वेबसाइट्स जो है ना वो कंटेंट प्लस एफिलिएट है, ठीक है। सो इसके अलावा आप लोग बेस्ट कैट्स अपैरल्स, नो, इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे कैरियर्स एंड स्ट्रॉलर्स और कैट स्ट्रॉलर्स, तो यू विल फाइंड अ वेबसाइट फाइव बेस्ट कैट स्ट्रॉलर्स इन 2021। ये उसने प्रॉपर इसके ऊपर एक रिव्यू लिखा हुआ है, चेक प्राइस पे क्लिक करें तो ये हमें रीडायरेक्ट कर रहे वॉलमार्ट पे, ठीक है। तो इसने वॉलमार्ट के साथ एफिलिएशन की हुई है। इसी तरह हम लोग कैट्स कैरियर्स, ये देखें, ठीक है, बेस्ट कैट कैरियर्स शॉप ऑन अमेज़न, वेफेयर, वॉलमार्ट, तकरीबन सभी वेबसाइट्स हैं। द सेवन बेस्ट डॉग कैरियर्स, द एट बेस्ट डॉग सीट कवर्स, ठीक है। मतलब कि कहने का मकसद ये है कि आप लोग कैट सप्लाईज पे काम कर सकते हैं,
ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग कैट सप्लाईज पे देख सकते हैं, कैट सप्लाईज की निश सप्लाईज और डॉग सप्लाईज, सोर्स है जी अमेज़न, यूआरएल है ना। स्टूडेंट्स ठीक है, एग्जैक्टली हिनाद्रिस बिल्कुल, मैंने ना देखे, मैंने कैट कैरियर्स था ना, मैंने अमेजोन से कीवर्ड लिया कैट कैरियर्स, गूगल पे गया, गूगल पे सर्च किया बेस्ट कैट कैरियर्स, तो मेरे पास ये टॉप वेबसाइट्स आ गई। मैं इसमें से कुछ दो चार वेबसाइट्स को विजिट करूंगा, जैसे rover.com की इस वेबसाइट को विजिट किया, मैं देखूंगा कि आया कि इट इज़ एन एफिलिएट वेबसाइट और नॉट। आई क्लिक ऑन लाइक शॉप ऑन chewy.com, इट इज़ ऑल्सो एन एफिलिएट वेबसाइट, तो आप लोग किसी भी वेबसाइट से एफिलिएशन ले सकते हैं, बट अमेजोन इज गुड। ठीक है, सो इट डिपेंड्स वेयर द सोर्सेज राइट। तो इसी तरह 12 बेस्ट कैट कैरियर्स इन 2021, सो व्हेन वी क्लिक ऑन प्राइस इट रीडायरेक्ट्स अस टू अमेज़न। दिस इज हाउ यू पीपल कैन कंफर्म दैट कि इस स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर या इस स्पेसिफिक निश के ऊपर हमारे पास एफिलिएट वेबसाइट्स अवेलेबल है। ऑलराइट, सो इस तरह से आप लोगों ने ना निशेस को एक्सप्लोर करना है। तो ये तो दूसरा मेथड था कि हम लोग अमेज़ॉन से भी इसको सर्च आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट टू द सिलेक्शन ऑफ दिस निशेस। कल हम सिलेक्शन ऑफ निशेस की तरफ मूव करेंगे, आज हम कुछ टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कीवर्ड रिसर्च भी साथ साथ शुरू कर देनी है। सो वी आर नाउ गोइंग टू रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। मैं आप लोगों को कीवर्ड की डेफिनेशन बताई थी, कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज अ कीवर्ड? व्हाट इज द कीवर्ड? कोई स्टूडेंट, एनीवन कैन एक्सप्लेन इन कमेंट्स? Exactly, which have a specific meaning, the combination of one or more words. Exactly, that words which people type in search engines. It's not necessary to type in search engines, like it is a sort of keyword in anywhere, in any place you write it. Like in social media, even you write it, it is still a keyword, not specifically to search engines. In social media, you can write it as well, right? So, हमारे पास एक कीवर्ड वो होता है जिसकी कोई ना कोई सेंस होती है, लाइक इट इज अ सिंगल वर्ड और इट मे बी अ वर्ड और द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वर्ड्स राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। नाउ
फर्स्ट वी लाइक डिस्कस द शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है? एसईओ की लैंग्वेज में शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं? ये आप लोगों को सभी टर्म्स का पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो आगे फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो अगर मैं इन कीवर्ड्स को यूज़ करता हूँ, इन वर्ड्स को यूज़ करता हूँ कि शॉर्ट टेल क्या है, लॉन्ग टेल क्या है, फ्रेश कीवर्ड्स कौन से हैं, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कौन से हैं, कस्टमर डिफाइनिंग कौन से हैं। सो द शॉर्ट टेल कीवर्ड, दिस कीवर्ड्स आर मेड अप ऑफ थ्री वर्ड्स और लेस। इन्हें हम ना लाइक मेन और हेड कीवर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है? हमारे पास शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं? ऐसे कीवर्ड जो तीन या तीन से कम वर्ड्स पर कंसिस्ट करते हो, ठीक है, इन्हें हम मेन और हेड कीवर्ड्स भी कहते हैं। और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो है ना, इसके ऊपर कंपटीशन भी बेशुमार होता है, बहुत कंपटीशन होता है इनके ऊपर। लाइक मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे गूगल के ऊपर आप लोग लिखें हेडेक रेमेडी, हेडेक होम रेमेडी, फर्ज करें ये मेन कीवर्ड है आपका, इसके ऊपर कितनी सर्चेज हैं, कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं? 27 मिलियन। अगर आप लोग यहाँ लिखें इंस्टेंट, लाइक अब इसके जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, ये तो शॉर्ट लाइक हो गया ना हमारे पास शॉर्टेज कीवर्ड, ठीक है, बेस्ट होम रेमेडी फॉर क्लस्टर हेडेक, लाइक दिस इज अनदर रिलेटेड कीवर्ड, तो इसके ऊपर कितना रिजल्ट्स हैं, कितने रिजल्ट्स आप लोगों के नजर आ रहे हैं? 918,000, ठीक है, या सिंपल हेडेक, तो इसके ऊपर भी आप लोगों को 12 मिलियन मिलेगा। लाइक रिड्यूस हो गया ना हमारे पास, जिस तरह से हमने कीवर्ड को लॉन्ग किया, हमारे पास जो उसका कंपटीशन है वो रिड्यूस हो गया। फाइबर के ऊपर तो आपको कंपटीशन कितना नजर आता है, 10,000, 12,000, 15,000। एसईओ के अंदर हमें मिलियंस का कंपटीशन जो है वो कम्पीट करना पड़ता है, ठीक है? सो दैट्स द रीजन वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च बिफोर वी आर गोइंग टू लॉन्च अ वेबसाइट। दिस रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि कल तक आप टूल्स रेडी कर लीजिएगा, ताकि आप लोग चीज़ों को साथ साथ इंप्लीमेंट करते रहें। अगेन, किसी को टूल अरेंज करने में कोई प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों को अकोमोडेट करवा दूंगा, ठीक है? लेकिन कल हर हाल में आप लोगों के पास टूल्स रेडी होने चाहिए। सो ये हमारे पास हो गए शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ कीवर्ड्स, दैट इज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। Long tail keywords consist of more than three words that are very specific, like क्योंकि देखे ना, जब हम एक कीवर्ड को लाइक लॉन्ग टेल बनाते हैं तो हम उसको स्पेसिफिक कर देते हैं, ठीक है? तो हम उसको क्या कहते हैं जी, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, जो तीन या तीन से ज्यादा वर्ड्स पर कंसिस्ट करता हो। एक एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूं, लाइक ट्रैवल बैकपैक फॉर वुमेन्स एंटी थेफ्ट, और वी कैन सी एन एग्जांपल द अदर वन। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग लिखते हैं होम रेमेडी फॉर हेडेक, होम रेमेडी बेस्ट होम रेमेडी फॉर हेडेक, ठीक है? सो दिस इज अ कीवर्ड, बट व्हेन इट कम्स टू बेस्ट होम रेमेडी फॉर क्लस्टर हेडेक, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं हो गया। स्टूडेंट्स क्या ख्याल है? इट इज मोर स्पेसिफिक बिकॉज इट इज डिफाइनिंग द टाइप ऑफ हेडेक एज वेल, कि आया कि यू नीड इट फॉर क्लस्टर हेडेक, क्लस्टर हेडेक, साइनस हेडेक, गैस्ट्रिक हेडेक, सोर थ्रोट एंड हेडेक, ठीक है, टेंशन हेडेक्स, ठीक है? तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो रहा है। लाइक हम कहेंगे कि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है,
ताकि हम लोग जो है वो एक चीज को स्पेसिफिक कर सकें। नाउ दिस कीवर्ड सी, दिस कीवर्ड इज हैविंग 918,000 रिजर्व। सो कहां पर 22 मिलियन और कहां पर 9 लाख? व्हाट डू यू पीपल थिंक? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स रिड्यूसेस द कंपटीशन, राइट? तो हम लोग क्या कहेंगे कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है वो रिस्क मतलब कंपटीशन को रिड्यूस करते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। तो इसको भी हम एज अ एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं। सो दीज आर सम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लेट्स टॉक अबाउट फ्रेश कीवर्ड्स। फ्रेंड्स फ्रेश कीवर्ड्स की कोई एग्जांपल देंगे आप लोग? समथिंग दैट हाइप्ड रिसेंटली। कोई एग्जांपल दे सकते हैं फ्रेश कीवर्ड्स की? ओके, कोरोना वैक्सीन। कोई और एग्जांपल? कोविड-19 देख लें आप लोग, ठीक है? ये भी रिसेंटली हाइप भी है, मतलब इतना रिसेंट नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये 2018 के लिए एक हाइप्ड कीवर्ड था। अगर हम इसका ट्रेंड चेक करें trends.google.com से, हम यहाँ पर लिखते हैं कोविड-19 पास्ट 5 ईयर्स का चेक करते हैं। तो इसको कब हाइप मिली थी? आप लोग के सामने ग्राफ आ रहा है ना? तो इसे हाइप कब मिली थी? 9 दिसंबर, January 5, 12 जनवरी, 19 जनवरी, 26 जनवरी, ये हाइप मिली है जी इसको। बूम जो इसको मिला है, जो बूम इसके ऊपर आया है, वो आया है 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक, ठीक है? 15 मार्च ऑफ 2020 से ऑनवर्ड जो है वो इसके ऊपर बूम आना शुरू हुआ है, ठीक है? तो ये हमारे पास एक, आप कह लें कि पोटेंशियल इंक्रीज जब हुआ था उसके ऊपर, तो वो हमारे पास लाइक 2020 था, फेब या मार्च में। लेकिन पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान का स्टैट्स है बेसिकली, रिसर्च इन वर्ल्ड वाइड
माइट सी एन ऑप्शन हियर, लाइक ज़्यादा जो हाइप हुई है इसकी वो फेब 23 से 29 तक जो है ना इस कीवर्ड की हाइप क्रिएट हुई है, ठीक है। सो इनको हम क्या कहते हैं, फ्रेश कीवर्ड्स जो रिसेंटली हाइप हुए हों। एग्जैक्टली पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन, तो ये हमारे पास कौन से हैं जी, फ्रेश कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो रिसेंटली हाइप हुए हो। इसके अलावा हमारे पास टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में आ जाते हैं प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स कीवर्ड्स दैट एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। For example, people search for a specific product. Like, for example, देखा product defining keywords की? Anyone from you people? Product defining keywords कौन से हो सकते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली प्रोडक्ट डिफाइनिंग है, ये सर्विस डिफाइनिंग होगा ना। प्रोडक्ट डिफाइनिंग एप्पल आईफोन 11 प्रो, ये प्रोडक्ट डिफाइनिंग है, ठीक है। क्या एप्पल आईफोन 11 प्रो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा स्टूडेंट्स? दिस इज अ प्रोडक्ट डिफाइनिंग। डिफाइन कह रहे हैं ना कि एप्पल चाहिए, एप्पल का फोन चाहिए आईफोन, और वो कौन सा मॉडल चाहिए, 11 प्रो। और अगर आप मजीद प्रोडक्ट डिफाइनिंग में जाना चाहते हैं तो एप्पल आईफोन 11 प्रो 256 GB, ठीक है। So, ये भी हमारे पास क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। क्या ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड भी होगा? इज इट ऑल्सो लाइक अ कीवर्ड, इज इट ऑल्सो लॉन्ग टेल कीवर्ड? ऑफ कोर्स मशीनरी और एनी रिलेटेड प्रोडक्ट दैट इज नीड ऑफ द पीपल, एग्जैक्टली, जो प्रोडक्ट को डिफाइन करे, ठीक है।
सो क्या हम एप्पल आईफोन 11 प्रो 256 GB को लॉन्ग टेल कीवर्ड भी कहेंगे स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली कहेंगे, क्योंकि ये इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन थ्री वर्ड्स, राइट? इसके अलावा अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एवरग्रीन कीवर्ड्स। एवरग्रीन कीवर्ड्स कौन से होते हैं जो हमेशा से यूज होते हो, ठीक है, लाइक बिल्कुल लाइक पूरी जिंदगी यूज हो रहे हैं और होते रहेंगे। अब आप में से इसकी बड़ी एक सिंपल सी एग्जाम्पल बनती है, अगर आप लोग बताएं, कुछ थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें चीजों को, कि कौन सी एक एग्जाम्पल हो सकती है एक एवरग्रीन कीवर्ड की। स्टूडेंट्स बड़ा एक बड़ी एक सिंपल सी लाइक एक सिंपल सा कीवर्ड बनता है जो एवरग्रीन हमारे पास है। आई डोंट नो कि आप लोगों को क्यों मतलब लाइक नहीं आप लोग ब्रेनस्टॉर्म कर रहे, ठीक है। देखें ब्यूटी टिप्स फॉरएवर चलने वाला कीवर्ड है, सलाद टाइम्स फॉरएवर कीवर्ड है, एवरग्रीन है हमेशा यूज होने वाला कीवर्ड है, ठीक है। फिटनेस टिप्स, ठीक है, होम रेमेडीज, these are very like common keywords if you people know about it, so these keywords are known as evergreen keywords, jo hamesha se chalte aa rahe hain aur aage bhi chalte rahenge, right? inka matlab ab covid-19 hai, covid-19 khatam hoga iska trend khatam ho jayega, theek hai? koi bhi product hai agar wo product aana band ho gaya uske keywords khatam ho jayenge, uske sales kam ho jayegi, theek hai? to is tarah se kuch keywords aise hote hain jo evergreen hote hain, okay? and i give you some samples as well. इसके अलावा कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स होते हैं। द कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स आर सर्च ऑफ लाइक यस डिजिटल मार्केटिंग इज एवरग्रीन कीवर्ड, हमेशा चलेगी अब, लेकिन मतलब बात यह है ना कि वो फ्यूचर में भी चलती रहे और पहले भी काफी अच्छे से चलती आ रही हो। द कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स आर सर्च फ्रेजेस that identify a specific subset of customer of or audience like best food for kids. ये customer को define कर रहा है ना कि हमें best food चाहिए किसके लिए, kids के लिए, right? on same way search for lawn dresses for women, right? on same way we search for like best mobile phones for businessmen. Businessmen, right? Like top 10 exercises for the people in the age of below 50. So this is also keyword. हर keyword के अंदर हम customer को define कर रहे हैं। यहाँ पर customer को define किया। Food है किसके लिए? Kids के लिए। लॉन ड्रेसेस चाहिए किसके लिए? वुमेन्स के लिए। बेस्ट मोबाइल फोन्स चाहिए किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए। टॉप 10 एक्सरसाइजेस चाहिए किन लोगों के लिए जो कि 50 से बिलो एज के हों, ठीक है। सो दिस वन इज अ कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स, राइट? एंड नेक्स्ट
जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स जिनके अंदर हम लोकेशन को टारगेट करें। यू कैन टारगेट अ स्पेसिफिक सिटी, स्टेट और इवन अ कंट्री यूजिंग जियो टारगेटेड कीवर्ड्स, लाइक मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान, लाइक कॉफी शॉप इन गुलबर्ग। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद हम ना रिलेटेड कीवर्ड को एक और टर्म भी देते हैं, जैसे LSI कीवर्ड्स। LSI कीवर्ड्स इन्हें हम कहते हैं जी लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स। अब इन कीवर्ड्स के ऊपर आप लोग लेटेंट, लाइक दीज कीवर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड, इन्हें हम लाइक लॉन्ग टेल में भी लेके जा सकते हैं, आर क्लोजली रिलेटेड टू योर टारगेटेड कीवर्ड्स। We use these keywords in our content to support our main idea, our main keyword. For example, आप लोग मुझे example देंगे, हमारा main keyword है, main keyword कौन सा है फर्ज करें, main keyword है हमारा PowerPoint presentation design। ठीक है ना, तो इसका LSI keyword कौन सा होगा आप बताएं, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नोट डाउन करता हूँ, business PowerPoint presentation design। ठीक है, सो डोंट यू पीपल थिंक ये वाला जो कीवर्ड है हमारे पास, ये वाला जो कीवर्ड है ये रिलेटेड है इस कीवर्ड से। ठीक है, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू दिस कीवर्ड, दिस वन इज क्लोजली रिलेटेड टू दिस कीवर्ड, दिस इज आवर मेन कीवर्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन एंड बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन इज क्लोजली रिलेटेड टू दिस कीवर्ड। ठीक है, so we can say this is the LSI keyword of this keyword, latent semantic indexing keyword that is like very like real close to our related or like targeted keywords, to our targeted keywords, and our targeted keywords was like PowerPoint presentation design and our LSI keyword is business PowerPoint presentation design, that's it. So these are some types of keywords. अगर यहाँ तक किसी को कोई question है या कुछ repeat करना है तो मुझे बता दें। okay. बाकी हम वाइंड अप करते हैं सेशन को और हम कल जो है वो नीट सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।